अगर आप चौड़ी कटिंगदार चेस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको लोअर चेस्ट का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि चेस्ट के तीन मसल्स पार्ट होते हैं, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट बनाने में कई लड़कों को बहुत मुश्किल होती है। उनका कहना होता है कि लोअर चेस्ट ग्रो नहीं हो रही, वो शेप में नहीं आ रही। पर लोअर चेस्ट अच्छी हो तो आपकी पूरी चेस्ट अच्छी लगती है, कटिंगदार उभरी हुई लगती है। वैसे तो हमें सारी बॉडी पार्ट के वर्कआउट करने चाहिए, तभी हमारी बॉडी प्रॉपर शेप में आएगी, मस्कुलर लगेगी। पर लोअर चेस्ट अच्छी हो तो आपकी पर्सनैलिटी और अलग दिखती है, आपके टी शर्ट में भी चेस्ट उभरी हुई लगती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे लोअर चेस्ट की उन चार एक्सरसाइज की, जिससे कि आपकी लोअर चेस्ट अच्छी बनेगी, शेप में आएगी, लोअर चेस्ट का फैट खत्म होगा और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, डाइट, बॉडी बिल्डिंग और सप्लीमेंट्स की रियल इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी होम रेमेडीज और कई मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पांच बेस्ट लोअर चेस्ट एक्सरसाइज की। जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो तो उस वर्कआउट में इन एक्सरसाइज को ऐड करें। तो चलिए बात करते हैं लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 1, डिक्लाइन डंबल प्रेस। आप इसमें डंबल का यूज भी कर सकते हैं और बारबेल का भी। डंबल से आप अपनी चेस्ट नीचे पूरी तरह स्ट्रेच कर सकते हैं और ऊपर चेस्ट को अच्छी तरह स्क्वीज कर सकते हैं। डिक्लाइन बेंच पर लेटकर डंबल या बार को नीचे लाएं और जब नीचे लाएं तो चेस्ट को स्ट्रेच करें और जब ऊपर लेकर जाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसमें डंबल या बार को नीचे लाएं तो डंबल को अपनी लोअर चेस्ट के पास लाएं, अपने निप्पल से नीचे, और वहीं से सीधा ऊपर लेकर जाएं। कई लड़के डंबल को अपनी अपर चेस्ट के पास ले आते हैं, जो कि गलत है। इससे लोअर चेस्ट तो नहीं बनेगी पर आपको इंजरी हो सकती है। तो डंबल को अपनी लोअर चेस्ट के सीध में ही रखें। और हाँ, इस एक्सरसाइज को जितना धीरे करोगे उतना ही फायदा होगा। ये एक्सरसाइज लोअर चेस्ट को बाहर की ओर उभरा हुआ बनाती है। इसके 4 सेट लगाएं और हर सेट में 8 से 12 के बीच रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 2, पैरेलल बार डिप्स। ये लोअर चेस्ट को शेप में लाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। मैंने कई बार बताया कि बॉडी वेट की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो बेस्ट होती हैं। अगर आप अपने वेट को बैलेंस कर लेते हो तो आपकी बॉडी परफेक्ट शेप में आती है। कई बॉडी बिल्डर 200 केजी की बेंच मार लेते हैं पर ये एक्सरसाइज नहीं लगा पाते। तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करें, इसे कभी भी मिस ना करें। इस एक्सरसाइज को आप चेस्ट वर्कआउट से पहले एज अ वार्म अप भी कर सकते हैं। इसमें जब आप नीचे आएं तो पूरा नीचे आए और चेस्ट को स्ट्रेच करें और जब ऊपर जाएं तो अपनी एल्बो को लॉक ना करें। एल्बो को लॉक करोगे तो वो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसमें ऊपर या नीचे जाते समय अपनी बॉडी आगे की तरफ थोड़ा झुका कर रखें। बॉडी सीधी रखोगे तो वो एक्सरसाइज भी ट्राइसेप्स की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को कभी भी मिस ना करें। इस एक्सरसाइज से लोअर चेस्ट में अच्छी कटिंग आती है। इसके भी 4 सेट लगाएं, हर सेट में 15 से 20 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 3, डिक्लाइन डंबल फ्राई। इसमें डिक्लाइन बेंच पर लेट जाएं, डंबल ज़्यादा हैवी ना लें। जब डंबल नीचे लाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, चेस्ट को अच्छी तरह खींचें और ऊपर लाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसमें भी डंबल को अपनी लोअर चेस्ट के ऊपर ही लाएं। इससे लोअर चेस्ट का फैट खत्म होकर चेस्ट शेप में आती है। साइड फैट और लोअर फैट तेजी से खत्म होता है। इसके भी 4 सेट लगाएं, हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 4, केबल क्रॉसओवर। ये भी चेस्ट को शेप में देने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज डिक्लाइन डंबल फ्लाई का अल्टरनेट हो सकती है। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो आप डिक्लाइन डंबल फ्लाई ही कर सकते हैं। इसमें मशीन से थोड़ा सा आगे खड़े हो जाएं, एक पैर आगे रखें और एक पीछे, वेट ज़्यादा हैवी ना लें। केबल को आगे लाएं तो लोअर चेस्ट को अच्छी तरह स्क्वीज करें, अपने हाथ आगे बिल्कुल टच करें और पीछे लेकर जाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इससे भी पूरी लोअर चेस्ट शेप में आती है। साइड चेस्ट की लाइन बनती है, साइड चेस्ट का फैट तेजी से खत्म होता है। इसके भी 4 सेट लगाएं और हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। तो फ्रेंड्स, ये 4 एक्सरसाइजें हैं लोअर चेस्ट की। आप जो भी चेस्ट का वर्कआउट करते हैं उसमें इन एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये एक्सरसाइजें कुछ ही दिनों में कर ली तो आपका लोअर चेस्ट का फैट भी खत्म होगा और लोअर चेस्ट आपकी उभरी हुई दिखेगी और आपकी साइड चेस्ट की लाइन भी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो लोअर चेस्ट एक्सरसाइज की। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।